गई है, जिसका आप सबों को था इंतजार, जिनके लिए आप सबों का दिल है बेकरार, जिनके लिए आप सबों के दिल में है बेशुमार प्यार, यानी के अब वो आएंगे। कौन आएंगे? जी हाँ दोस्तों, तो बुलाओ उनको, जरा जोरदार तालियां हो जाए एक बार पहले। तो चलिए अब मैं उस आवाज को आवाज दूंगा, जिस आवाज को हम सब मेलोडी किंग के नाम से जानते हैं, जिनको पूरा बॉलीवुड टाइगर कह के पुकारता है, जिन्होंने करीब 26 लैंग्वेजेस में 22,000 गाने गाए हैं, जिन्होंने एक दिन में, जी हाँ एक दिन में 28 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिख दिया, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 5-5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया, जिनको और कई अवार्ड्स के साथ साथ पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिनके नाम से 31 मार्च को अमेरिका में एक डे भी मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो है हम सबों के चहीते, हम सबों के प्यारे दुलारे, हम सबों के दिल जिगर जानू, आएंगे कुमार शानू। आएंगे कुमार शानू। मुझे देखा जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना से दिल को चुराना।
आर्टिस्टों को यही चाहिए होता है कि भाई आप हौसला देते जाओ
भाई ये इसका एक टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग कर लेते, देखते हैं कि कैसे एकदम शुद्ध पानी है। जो करता है वो करेगा ही भाई, आप करो भाई जी बात करो। अच्छा एक टेस्टिंग अभी हम करेंगे, देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है, देते हैं सुनो। अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा मुंह में हंसी लाइए।
डराइए, हमारे शो को एंजॉय करिए, हमें डराइए मत। तो प्लीज सर, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी आप अपने गाते गाते देखेंगे और क्या कर सकते हैं। अभी चलते हैं। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, इसी बात पे जरा जोरदार ताली बजाना। और दादा वंस मोर क्यों डर लगता, वो कहानी थोड़ा सुना दीजिए सबको। क्या देखो भाई, मैं अपने इंडिया में एक बिहार करके जगह है
बिहार के नाम सुनने किसने है वो करके कौन है बिल्कुल हाँ ठीक है बहुत अच्छा है लेकिन क्या है बिहार में शो करने गया था और वहाँ पे शो कर रहा था एक गाना था हाँ गाना था हाँ 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 मैं दुनिया भुला दूँ गाना गाया मैंने हाँ सुन लिया बेटा मैं गाना गा लिया उसके बाद फिर वंस मोर जैसे चिल्ला रहे थे वंस मोर बोला मैंने फिर से गाया फिर वंस मोर बोला मैंने फिर से गाया ऐसा कर करके आठ बार मैंने इस गाने को गाया फिर मैंने बोला भाई आप लोग इस गाने को इतना पसंद करते हो मेरे को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे ये गाना इतना पसंद करते हो तो एक धोती पहना हुआ पूरा साफ बड़े बड़े मोच और मोच होता है उठा उठे बोलते नहीं सानू जी ऐसा कुछ नहीं है क्या है कि जब तक ठीक नहीं गाओगे गाते रहो सुन के मैं डर जाता हूँ तो इसलिए वंस मोर नहीं हम लोग वन मोर गाएंगे और एक गाना वन मोर कह सकते हम खुशी खुशी उसको अच्छा अच्छा क्या है कि अभी मैं आप लोगों को सीधा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो 90s के समय पे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते थे बहुत सारे और वहाँ पे हमें मालूम है कि उस समय मेरा सब एक से रोमांटिक था सब रोमांटिक और वो जो यंग लड़के लोग थे सब उस समय मेरा गाना और उस समय एक्चुअली क्या है कि मेरा गाना गा के जो उस सब लड़के लोग जो कॉलेज का स्टूडेंट जो स्कूल का स्टूडेंट उन लोगों ने उस समय जो कांड किए जो कांड किए वो सब मैं अभी आपको याद दिला क्योंकि मैं आपको ये चल रहा 90s में जहां खाली रोमांस रोमांस क्योंकि देखो भाई एक बात बोल देता हूँ आप लोग ना जो जो आए हुए हैं वो यहाँ पे उसके बाजू में उनके बीबी होंगे शायद मुंह का एक्सप्रेशन ना चेंज नहीं करना दिमाग में वो समय में जो किया था उसको याद रखो मेरे गाना लेकर एक्सप्रेशन एकदम चेंज नहीं करना चेंज करोगे तो घर में जाके तो इसलिए क्या है कि एकदम मुंह पे हो ही हंसी रखना जैसा अभी जैसे कुछ हुआ ही नहीं एकदम चले जाओ 90s में क्या किया था मेरा गाना लेके मैं दुनिया भुला दूंगा तेरे चांद में मेरा चांद मुझे आया ना जो पता नहीं क्या क्या किया अभी सब वही याद नहीं होगा खाली रोमांस है रोमांस आप खाली घुस जाओ 90s में ओके देखो सुन दे तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम रहते हो Oh
Thank you.
गाने सुन के पुराने जमाने तो याद आएंगे ही, हस्बैंड्स लोगों के एक्सप्रेशंस तो चेंज हो गए ही पुराने दिन को याद करते हुए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई मोहब्बत में है या कोई मोहब्बत का मारा है, यहाँ कोई मोहब्बत में है तो कोई मोहब्बत का मारा है। आपके गाने तो हर एक दीवाने दिल का सहारा है, और आपके रोमांटिक गानों का तो ऐसा जादू है शानदार, उसे सुन के शादीशुदा आदमी भी अपने आप को समझता कुआ है। एक और जोरदार तालियां हो जाए शानदार के लिए और उनके गानों के लिए, क्या बात है शानदार। बहुत बहुत कर लिया ऐसा जो मेरा एक इंटरेस्टिंग सेशन जो खास न्यूजीलैंड के लिए मैंने जो तय किया तो वो अभी शुरू करता है। वो मेरा भी फेवरेट है जो है फरमाइश की सेशन। आप लोग करेंगे फरमाइश और शानदार करेंगे आपकी फरमाइश को पूरी, तो क्या आप एक्साइटेड है? फरमाइश रेडी है तो बस फरमाइश रेडी रखिए। अच्छा वहीं से बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गार्ड है, मैं नीचे जा नहीं सकता, तो आप लोग वहीं से चिल्ला के बोल दीजिए, मैं सुनने की कोशिश करूँ। सब लोग एक साथ चिल्लाएंगे तो बिल्कुल गाना नहीं लगेगा। यहाँ से पहला पहली फरमाइश हम लोग इस साइड से लेते हैं शानदार, इस साइड से पहली फरमाइश लेते हैं। सुनो मैं बोलता हूँ, तरीका हमको बना रखे हैं, एक जन उनके सामने आ रहा है, एक जन। अच्छा पहले ही आए, नहीं आप कहाँ आ रहे हैं? ये आप कहाँ रहे? नहीं शीश का बच्चा है। All right, I've got the mic over here. Hi, we met at the airport. Come on, Shanu ji, it's Sabrina. Did you see how you jump? Okay, I'll sing for you. Next one. आपको लूट क्या आ रहा है? अच्छा मैं आ गया हूँ, तो फिर उठ के यहाँ आ जाइए। कोई रिक्वेस्ट किया क्या? हाँ सर, लड़के ने रिक्वेस्ट किया। आपने आपने मेरी महबूबा। अच्छा मेरी महबूबा, ओके चलिए ठीक है। अच्छा पहले इनका गल आपका मालूम है मुझे, डोंट वरी, आपका तुझे देखा तो ही जाना सनम है ना, आई सी फॉर यू। हाँ पहले महबूबा का कर लेता हूँ पूछ, चलते इसको सुन ले। बस अभी आप रिक्वेस्ट नहीं देना, पहले इनका गाना उसके बाद। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान, उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब ना जाने ये बरसात होगी।
तो यहाँ लेफ्ट में बहुत सारी रिक्वेस्ट
Sí, 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 sí
चाहते हैं क्योंकि शानुदा का ये मानना है कि शानुदा कभी अपने ऑडियंस को चीट नहीं करेंगे, इसलिए शानुदा जो भी गाते हैं लाइव गाते हैं। क्या बात है यार, काफी पढ़ाई की है आपके बारे में। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है की है। गाना है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस गाने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने सबसे पहले पूछा था कि आप लोग शानुदा के गानों की कहानी, शानुदा की जबानी सुनना चाहते हैं, तो सबने हाँ कहा था। तो इस गाने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इस गाने के कंपोजर है पंचम दा आर डी बर्मन। उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ टिप दिया था, जो टिप लेके आपने गाने को सुपर डुपर हिट बना दिया था। तो वो टिप क्या था हम सब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं ना? प्लीज बकवास नहीं बोलना पड़े। बकवास बोलते हैं गाना सुनते क्या होगा? ये लोग जिंदगी भर टिप देते हैं, मेरा टिप क्या लगा है ना? सुनने को दिल करता है कि नहीं? अगर सुनने को दिल करता है तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं। हाँ, गाना क्या था जरा बजा सुनते जैसे बहुत हो गए। तू मेरा क्या करना, देख सारे जैसे जो है ना, सारे जैसे को अलग अलग कर देना। जैसे एक जैसा नहीं होना चाहिए, जैसे को अलग कर देना, अलग अलग सुनना ही देना चाहिए। तो मेरा गाना है, तो मैंने वही किया, मैंने कोशिश किया था और उसके बाद आप लोगों ने पसंद कर लिया। इसकी वजह से गाना पसंद कर लिया। तो दादा कहानी बोलने से नहीं होगा, गाना सुना के बताना पड़ेगा कि कैसे किया था। सुनना है ना वो कैसे किया था? जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। आप लोग गर्लफ्रेंड कहा छोड़ दो, आप मेरी बात सुनो थोड़ा सा। जैसे मैं गा रहा हूँ ध्यान से सुना, जरा जोरदार मेरी बात ना। गाना ऐसा गा रहा था, ओ
जैसे खिलता गुलाब जैसे शायद अनार जैसे उजली रंग जैसे बन में जैसे चांद मीरात जैसे नरमी की बात जैसे मन मंदिर में ऐसे गाके इस गाने को ऐसा हिट बना दिया कि इस गाने को मिला था चानुदा का फिफ्थ फिल्मफेयर अवार्ड, जिसके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बैक टू बैक 5 फिल्मफेयर अवार्ड और चानुदा ने ये 5वां फिल्मफेयर अवार्ड जीतने के बाद एज ए गुड जेस्चर कहा था कि हर साल तो मैं ही अवार्ड ले रहा हूं, इस साल अगर किसी नए को मिले तो अच्छा लगेगा। मेरा सवाल दादा ये है कि आपने ऐसा क्यों कहा था प्लीज? नहीं, आपको बताना पड़ेगा, मैंने प्रॉमिस किया है लोगों को। क्या है देखो भाई, 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड लेने के बाद मैंने थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा गदगद था, गदगद होकर मैंने मीडिया के सामने बोला कि 6वीं बार अगर किसी नए लड़के को मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बस मीडिया ने लिख दिया शांति ने फिल्मफेयर लेने से इनकार कर दिया। धन्यवाद मीडिया को, उन्होंने इतना अच्छा तोड़ मड़ो के लिख दिया, फिल्म फेयर वाले में गुस्सा हो गया, नहीं तो उस साल में मेरा जो अवार्ड था वो पक्का था, क्योंकि उस साल में 95 में उस गाने से बड़ा कोई हिट गाना नहीं था उस समय, दिल वाले दुल्हनिया। आई थिंक उस गाने को मिल जाता, लेकिन ये मीडिया वाले जो है ना बीच में पैंची मार दिया, ये तो फिर हो जाता था। लेकिन क्या है कि मालूम है कि 6वां अवार्ड मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अभी अवार्ड का क्या मान लो। या आप जो सामने बैठे हुए हो ना, और आप जो चिल्लाते हो ना, आप जो प्यार से चिल्लाते हो, आप जो सीटियां मारते हो, इससे बड़ी अवार्ड और क्या हो सकती है भाई। मेरे को तो लगता है कि इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मजाक मजाक में बहुत बात कर लिया आज हम लोगों ने। एक गाना ना आपका तुझे देखा तुझे रस हम गाएंगे, तब से हम देख रहे हैं, हमारा पूरा ख्याल है आपको। क्या है कि एक गाना आप लोग पसंद करो ना करो मैं गाऊंगा ही, देखो मैं गाऊंगा ही। अब आप आपको पसंद ना आए ना, आप तो कान में उंगली लगा के बैठना, और अगर पसंद आए तो फिर कुछ काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो है ना आपको साथ में गाना पड़ेगा, आर यू रेडी फॉर दैट? ऐसा किया ना, गले से आवाज नहीं, आवाज निकालना चाहिए फिर वहां से ऐसा नहीं होगा, आवाज सुनना चाहिए मेरे को। यहां तक जो साइड में से आवाज सबसे बुलंद आएगा, मैं उसी साइड में से एक जन को स्टेज पे बुलाऊंगा, बुला के आप मैं जो बोल रहा हूं वो सब करके दिखाऊ। चलो गाना ऐसा है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, अबे रुक जाओ, अभी नहीं तो मैं बोलूंगा तब क्या लगे ना। पहले मेरे को लिरिक्स जो है ना वो मैं बता दूं, उसके बाद तुम लोगों को पूछूंगा तब गाना लेफ्ट या राइट। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
किस गाने का साथ किसी का मैरिज एनिवर्सरी में जुड़ा हुआ है, किस गाने के साथ किसी का प्यार जुड़ा हुआ है। और जिन लोगों के फरमाइश पे ये गाना मैं गा रहा हूँ उनमें से एक नाम है रेणु जी का। रेणु जी आप कहाँ पे है, खड़ा हो गया हाथ उठाइए, खड़ा हो जाइए। ओ अच्छा भाई यहाँ पे रेणु जी, अभी मैं बोलूंगा कि आप लोग पहले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, आप मेरे साथ गाइए, मैं बोलूंगा आपको और थोड़ा यहां तक सुनाई देना चाहिए। वन टू वन, जब कोई जब कोई